उस गेट के साथ गाड़ी मारी, हम पीछे पहुंच गए। तो हम जब उतरे तो उनने दोनों जो डकैत थे उनने जो है ना वो पिस्टल निकाल दिए और जो है ना हमारे ऊपर तान लिए। तीसरा जो है ना जो डकैत था वो पिछली सीट पे बैठा हुआ था, वो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन हमने सच्ची बात है कमाल महारत से, मेरा गनमैन भी था, मेरा रीडर भी था, मैं भी था, और एक मुलाजम हमारे साथ सेंसर से भी जो है ना वो भी बैठा हुआ था। उन्होंने रिवाल्वर अपना मेरे सीने पे ताना, तो मुझे कोई खौफ नहीं, मेरे पास भी राइफ़ल थी। मैंने जब वो देखा कि मेरी तरफ रिवाल्वर उसने निकाल लिया, मैंने थोड़ी सी साइड चेंज की, मैं डरा नहीं हूँ, साइड चेंज की, इतने में DSP साहब ख़ुद मौके पर पहुँच गए। उन्होंने हाथ से मारा, रिवाल्वर मेरी तरफ से हट गया, फिर फौरी तौर पर हमने उन्हें पकड़ लिया, फिर उन्हें हमने भागने की मौका ही नहीं दिया। तो सब तक न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। गुज़श्ता रात तकरीबन 8:30 बजे का वाक़िया है कि हाजियाबाद सेंसा के मकाम पर एक डकैती की वारदात हुई है, जिसके बाद वहाँ के जो लोग थे उनके अंदर खौफ और आस पाया जा रहा था, मगर इंतज़ामिया की बेहतरीन हिकमत अमली ने जो डकैत थे उनको कुछ ही देर बाद गिरफ्तार कर लिया। उस मौके पर जो DSP तारिक आमरा नफरी वहाँ से जो डकैत थे, जो डकैती करके फरार होने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने अपने नफरी के साथ उन डाकू को फौरी तौर पर गिरफ़्तार कर लिया। इस वक्त हमारे साथ DSP तारिक मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि किस तरह उन्होंने उनका तकब किया और किस तरह उनको गिरफ़्तार किया गया। और उस वक्त वो सिविल कपड़ों में थे और ऐसे में ड्यूटी सर अंजाम देना कितना मुश्किल है, क्या कहते हैं इस हवाले से, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। ये का क्या सीन हुआ, ये आज़ाद कश्मीर में पहला अनोखा वाकया है जिसमें पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुजरमों को पकड़ा, और किस तरह ये सारा सिस्टम हुआ मैं बता दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। असल में इस सिलसिले में मुफसल ब्रीफिंग तो आज हम 2 बजे रखी हुई है सेंसा के मुकाम पर ही। मुख्तसर ये है कि मैं सेंसा ही था, मौजूद था, सेंसा थाने में मौजूद था कि वहाँ पे इतला मिली कि छोच के मुकाम पे वहाँ कोई डकैती हो रही है। तो मैंने SHO को फौरी ख़ुद भी निकल गया, हम रोड पे निकले, हम जब चौक पे पहुँचे तो एक गाड़ी जो है ना जो जिसके बारे में पहले से वहाँ इतला थी कि ये गाड़ी उन्होंने गन पॉइंट पर, ये भी गाड़ी भी छीन के इसी गाड़ी पर वो डाकू भाग गए, तो वो गाड़ी हमारे पास से गुजरी तो हमने वहीं से गाड़ी टर्न की और उसके ताकब शुरू कर दिया, तो वो गाड़ी आगे सरसावा रोड पे चढ़ गई, हम उसके साथ हो गए। और जंगल के एरिए में वो गाड़ी इस तरह जा रही थी जैसे हवाई जहाज़ जा रहा है, तो हमारी गाड़ी भी माशाल्लाह हमारे ड्राइवर ने बहुत अच्छी कमाल महारत से उनका जो है ना वो ताकब जारी रखा। नोइस रोटा के मुकाम पर जब हम पहुँचे तो उस गाड़ी ने जब देखा कि ये गाड़ी हमारे पीछे है तो उसने एक लेफ़्ट रोड पे एक लिंक रोड पे चढ़ाने की कोशिश की, वो लेफ़्ट रोड पे लिंक रोड पे चढ़ा, हम उसके साथ हो गए। तो आगे डेड एंड था, वहाँ पे एक घर था, वहाँ जाके वो रोड ख़त्म हो रही थी, तो वहाँ जब पहुँचा तो उसने वो उस गेट के साथ गाड़ी मारी, हम पीछे पहुँच गए। तो हम जब उतरे तो उनने दोनों जो डकैत थे उनने जो है ना वो पिस्टल निकाल दिए और जो है ना हमारे ऊपर तान लिए। तीसरा जो है ना जो डकैत था वो पिछली सीट पे बैठा हुआ था, वो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन हमने सच्ची बात है कमाल महारत से, मेरा गनमैन भी था, मेरा रीडर भी था, मैं भी था, और एक मुलाजम हमारे साथ सेंसर से भी जो है ना वो भी बैठा हुआ था, हमने उनको दबोच लिया और उनके पिस्टल भी वहाँ से बरामद कर लिया, और लूटी जो रकम और जो जेवरात वगैरह जो चीज़ें थी वो भी सारी। सर आप उस वक्त बहुत कम नफरी के साथ जा रहे थे, तो क्या महसूस किया आपने जब आपके सीने पे उन्होंने गन रखी और जिंदगी और मौत में आप अकेले वहाँ पे पहुँचे? मुझे इसका कोई वो नहीं था, अदराक नहीं था कि जो उन्होंने गन पॉइंट रखी, गन रख ली है, या हम बहुत तादाद में कम है, हमारे सच्ची बात है हम हौसला बुलंद होना चाहिए, तो ये मुझे कोई डर नहीं था कि वो कितने हैं। मैं कह रहा था हम उन पे डोमिनेट हैं, हम ज्यादा हैं, वो कम है, हमारी ताकत ज्यादा है। कहा जा रहा है कि उस वक्त आप सिविल कपड़ों में थे। जी हम सिविल कपड़ों में, आम बात का इल्म नहीं था कि ये कोई इंतजामिया वाले पुलिस कोई नहीं हमारा तकब कर रहे, कुछ भी उनको शायद ये इस चीज़ का इल्म नहीं था, सिर्फ ये है कि हमारे पास जो गाड़ी थी वो सरकारी, उनको शायद जब उतरे पकड़े तो उस वक्त उन्होंने देखी कि ये गाड़ी हमारी सरकारी है, अदरवाइज उनको ये इल्म नहीं था कि ये हमारे पीछे कौन है। अच्छा जी, वो कांस्टेबल भी मौजूद हैं जो इनके साथ सारी वारदात में मौजूद थे, चूँकि जब अफसर साथ हो तो जो कांस्टेबल या छोटे लोग हैं वो उनकी मामनत करते हैं। आप पे जब गन रखी गई तो आपने क्या सोचा, जब जिंदगी और मौत सामने आपको मौत नज़र आ रही है तो आपने? बिल्कुल, थैंक यू नाज़ भाई, आपने हमें इस कदर इज्जत दी। जब
انہوں نے ریوالور اپنا میرے سینے پہ تانا تو میرے مجھے کوئی خوف نہیں، میرے پاس بھی رائفل تھی، میں نے جب وہ دیکھا کہ میری طرف ریوالور اس نے نکالیا، میں نے تھوڑی سی سائڈ چینج کی، میں ڈرا نہیں ہوں، سائڈ چینج کی، اتنے میں ڈی ایس پی صاحب خود موقع پہ پہنچ گئے، انہوں نے ہاتھ سے مارا، ریوالور میری طرف سے ہٹ گیا، پھر فوری طور پہ ہم نے انہیں پکڑ لیا، پھر انہیں ہم نے بھاگنے کی موقع ہی نہیں دیا، تو کوئی خوف نہیں تھا، جب سینئر افیسر میرے اتنے دلیر موجود تھے، جتنی کاروائی ہم پہلے کر چکے تھے، تو مجھے موت کا یا کسی چیز کا اس وقت کوئی خوف نہیں تھا، اور ہم اپنا صرف یہی فوکس تھا کہ ہم نے انہیں جانا ہی نہیں دینا، ہم نے پکڑنا ہے اور لوگوں کا لوٹا ہوا مال انہیں واپس کرنا. ناظرین جسکل، آپ نے ڈی ایس پی طارق صاحب کی گفتگو سنی ہے کہ کس طرح انہوں نے دلیری کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ ان ڈکیتو کو کچھ ہی دیر بعد گرفتار کر لیا، اور ان کے ساتھ جو نوجوان پولیس ملازم تھا اس کا جذبہ بھی آپ نے دیکھا کہ کس قدر اس کے جذبات تھے کہ جب ہمارا سینئر ہمارے ساتھ ہو اور وہ بہادری کے ساتھ ہمارے ساتھ ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہو، تو اس وقت خود بخود انسان کے اندر جو جوش جذبہ ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، اور ہمارا یہی مشن تھا کہ ہم ان ڈاکو کو کسی بھی طرح پکڑیں اور لوگوں سے جو لوٹا گیا مال ہے ان کو واپس کریں، اور اسی وجہ سے ہم ان ڈاکو کو پکڑنے میں کامیاب ہوئے.